हेलो एवरीवन, मैं अरुण आप लोग का स्वागत करता हूँ इंटेंस फोकस एकेडमी में। आज के एमएसएन के सिलेक्शन में मेनली हम लोग पढ़ेंगे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के बारे में। इट इज अ टाइप ऑफ डिफिशियंट एनीमिया, ठीक है। मेनली इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के क्या क्या कॉजेज है, व्हाट आर द सिम्टम्स, व्हाट आर द डायग्नोसिस एंड व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स। ट्रीटमेंट्स मेनली फोकस करता है बेसिकली आयरन सप्लीमेंट्स में, वो हम लोग क्या क्या होता है, क्या क्या दे सकते हैं, वो सारी चीजें आज हम लोग इस चीज में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। तो एनीमिया का मतलब ही क्या होता है? एन एनीमिया मींस इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज एन प्लस इमिया। एन का मतलब होता है क्या? तो लैक और लेस, और इमिया मतलब हो जाएगा ब्लड। तो अगर कहीं पे ब्लड की या फिर कमी हो जाती है देन दिस कंडीशन इज नोन एज एनीमिया, ठीक है। तो डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का क्या डिफिनेशन होगा, तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो आयरन डिफिशियंसी है यानी लैक ऑफ ब्लड, इसमें क्या हो जाएगा वो हम लोग देख लेते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ एनेमिक, एनीमिया इज अ टाइप ऑफ ब्लड डिसऑर्डर इन विच लैक्स, अब किसमें लैक करेगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो विच लैक्स, एनीमिया का डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि एनीमिया इज अ ब्लड डिसऑर्डर विच लैक्स आरबीसी। क्या क्या लैक करता है? या तो आरबीसी लैक कर सकता है, और हेमोग्लोबिन और लो हेमोग्लोबिन होता है, और या फिर लो हेमेटोक्रिट होता है। तो अब एनीमिया का जो होगा डिसऑर्डर वो हम लोग देख लेंगे कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। तो मेनली इसमें क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो नॉर्मल लेवल ऑफ हेमोग्लोबिन मैंने पहले भी बता चुका है कि नॉर्मल लेवल ऑफ हेमोग्लोबिन कितना होता है। नाउ अब हम लोग देख लेते हैं नॉर्मल लेवल ऑफ हेमोग्लोबिन मेल्स में कितना पाया जाता है। तो 13-18 ग्राम पर डेसीलीटर, और फीमेल्स में कितना पाया जाता है? 12-17 ग्राम पर डेसीलीटर। इसके बाद अब हम लोग देखते थे कि एनेमिक कंडीशन। तो एनेमिक कंडीशन जो था मेल्स में कितना हो जाएगा, अगर हेमोग्लोबिन का लेवल 13 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है मेल्स के अंदर देन इट विल कम अंडर द एनेमिक कंडीशन, और फीमेल के अंदर अगर 12 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो वो हो जाएगा हमारा क्या? एनेमिक कंडीशन इन फीमेल्स, ठीक। अब हम लोग जनरल पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या। तो हेमोग्लोबिन जो होता है दैट इज HB, तो इसमें मेनली हम लोग देखेंगे क्या कि हेमोग्लोबिन इज इंपॉर्टेंट फॉर कैरिंग ऑक्सीजन टू वेरियस सेल्स और टिश्यू। तो हेमोग्लोबिन क्या है? इंपॉर्टेंट है। और हेमोग्लोबिन किससे मिलके बनता है? तो आयरन से मिलके बनता है। तो आयरन इज स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ हेमोग्लोबिन। सो आयरन जो है इंपॉर्टेंट है। सो हेमोग्लोबिन क्या है? हमारा इंपॉर्टेंट है। हेमोग्लोबिन क्यों इंपॉर्टेंट है ये हम लोग देख लेते हैं। तो हेमोग्लोबिन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि HB जो होता है वो पहुंचाता है ऑक्सीजन को वेरियस सेल्स और वेरियस टिश्यूज को। अब इसमें क्या है? आयरन। तो आयरन जो है स्ट्रक्चरल पार्ट है किसका? हेमोग्लोबिन का पार्ट है। ओके, अब ये देख लेते हैं हम लोग क्या हेमोग्लोबिन के बारे में। अब सेकेंड हमारा क्या था? तो हिमेटोक्रिट। हिमेटोक्रिट क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। दैट इज HCT यानी हिमेटोक्रिट, दैट इज HCT। अब HCT के बारे में देख लेते हैं। तो HCT के बारे में क्या देख लेते हैं? तो ये क्या है? रेशियो ऑफ प्लाज्मा टू आरबीसी इन ब्लड। हिमेटोक्रिट क्या है? रेशियो ऑफ प्लाज्मा टू आरबीसी इन ब्लड। ये क्या है? रेशियो है किसका? प्लाज्मा और आरबीसी का। ये कैसे निकालते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो मेनली हम लोग क्या करते हैं, ब्लड में एक टेस्ट ट्यूब में हम लोग ब्लड कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग ब्लड कलेक्ट करेंगे तो कुछ देर बाद हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा कि ऊपर में जो है जब स्टीडी इसको हम लोग रख देते हैं खड़ा कर तो क्या देखने को मिलता है कि ऊपर जो है हमारा क्या होता है, प्लाज्मा कुछ देर में जम जाता है, यानी प्लाज्मा जो है ऊपर जो है फ्लोट करने लगता है, और नीचे क्या होता है हमारा आरबीसी होता है।
ठीक है। तो हेमाटोक्रिट क्या हुआ, यही लेवल होता है यानी रेशियो होता है किसका किसका, प्लाज्मा टू आरबीसी, ठीक है। अब ये कितना इसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, हेमाटोक्रिट का नॉर्मल वैल्यू होता है दैट इज अगर मेल की बात की जाए और फीमेल्स की बात की जाए तो फीमेल्स और मेल्स में दोनों अलग अलग पाए जाते हैं। तो मेल में अगर बात की जाए तो मेल्स में कितने पाए जाते हैं, तो मेल्स में पाए जाते हैं डेट इज 0.31, इसका रेशियो कितना होता है 0.38, और मेल्स में कितना पाया जाता है 0.41। तो अगर हेमेटोक्रिट का लेवल मेल में अगर 0.38 से कम है देन द पर्सन विल बी एनेमिक, और अगर फीमेल में 0.41 से कम है तो वो हो जाएगा क्या, एनेमिक वुमेन हो जाएगी। तो ये था हमारा क्या आयरन डिफिशियंसी के बारे में मोटा मोटी इंट्रोडक्शन। और एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये मोस्ट कॉमन एनीमिया है हमारे इंडिया के अंदर, इट इज द मोस्ट कॉमन, ये भी लिख लेते हम लोग कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि प्रेगनेंसी वीमेन के अंदर डाइमॉर्फिक एनीमिया पाया जाता है, प्रेग्नेंट वीमेन के अंदर प्रेग्नेंट वीमेन के अंदर डाइमॉर्फिक एनीमिया पाया जाता है। डायमॉर्फिक एनीमिया का मतलब क्या हुआ वो हम लोग देख लेते हैं। तो डायमॉर्फिक एनीमिया का मतलब हुआ, डायमॉर्फिक का मतलब हुआ मतलब इसमें आईडीए प्लस फॉलिक एसिड ये दोनों टाइप के एनीमिया प्रेग्नेंट वीमेन के अंदर पाया जाते हैं। ओके, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट अबाउट द आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। आगे हम लोग देखेंगे कॉजेस, साइन एंड सिम्टम्स और डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। मेनली अब हम लोग देखेंगे कॉजेस के बारे में। तो कॉजेस में मेनली अब हम लोग देखते हैं कॉजेस कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, दैट इज डिक्रीज्ड इनटेक, इंक्रीज्ड लॉस और इंक्रीज्ड यूटिलाइजेशन। ये दीज आर द थ्री कैटेगरीज अंडर विच कॉजेस कैन बी डिवाइडेड। फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या डिक्रीज इंटेक में क्या होगा। फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या लो डायट्री आयरन कंजम्पशन, यानी आयरन जब हम कम ले रहे हैं यानी रिच सोर्स ऑफ आयरन ही अगर हम कम ले रहे हैं, जैसे कि रेड मीट हो गया, लिफी प्रोडक्ट्स हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, ये जब हम लोग कम ले रहे हैं यानी लो डायट्री आयरन ही आयरन का कंजम्पशन ही कम होगा, तो ऑब्वियसली बात है इट विल लीड टू द आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। या फिर माल ऑब्जेक्टिव कंडीशन में कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जैसे कि सीलियक डिजीज विच इज रिलेटेड टू ड्यूडेनम ना, या फिर क्रोन्स डिजीज यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, ये सब ऐसे कंडीशंस है जिसमें कि माल ऑब्जेप्शन होता है आयरन का, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इन सभी केसेस में क्या होगा, आयरन का लो कंजम्पशन होगा, ठीक है। तो आयरन का लो कंजम्पशन होगा और उतना ही ज्यादा वेस्ट होगा, या फिर डिक्रीज उतना ही ज्यादा अगर इनटेक कम होगा, तो ये बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें कि आईडी हम लोग को देखने को मिल सकता है। थर्ड हमारा हो गया गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी यानी मान लीजिए विटामिन बी 12 जो है हमारा एब्जॉर्ब होता है किसके अंदर, विटामिन बी 12 एब्जॉर्ब होता है टर्मिनल इलियम के अंदर, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसे कॉजेस है जिसमें हम लोग को देखने को मिलता है क्या कि डिक्रीज इंटेक हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर, अगर इंक्रीज डिक्रीज इंटेक है तो ऑब्वियस सी बात है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होगा ही होगा। अब इंक्रीज लॉस में मेनली इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट वन इज नोन एज हीमोलिसिस और सेकंड वन इज नोन एज हेमरेज, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या हीमोलिसिस मेनली हम दो कंडीशन में देखने में मिलता है दैट इज टीटीपी और डीआईसी। तो टीटीपी क्या हो जाएगा,
थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परप्यूरा, ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कि हम लोग को हिमोलाइसिस देखने को मिलता है। हिमोलाइसिस का मतलब हो गया क्या कि हिमोलाइसिस में क्या होगा कि हमारा जो ब्लड सेल है वो क्या होता है, ब्लड यानी आरबीसी जो हमारा वो क्या होता है, लाइसिस हो जाता है, यानी वो टूटने लगता है, ठीक है। और सेकेंड हमारा क्या, डीआईसी यानी डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, ठीक है। तो ये दो ऐसे कंडीशन थे जिसमें हम लोग को हिमोलाइसिस देखने को मिलता है, ठीक है, हिमोलाइटिक एनीमिया इसमें देखने को मिलेगा। और सेकेंड इसमें आ जाएगा क्या, हमारा लॉस में इंक्रीज लॉसेस में आ जाएगा, सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, हेमरेज। हेमरेज में मेनली मेंस्ट्रुएशन में देखने को मिलता है, मेंस्ट्रुएशन में, और उसमें उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेट्रोरेजिया, जब एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो जाए, हाई अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग हो जाए हमारे पीरियड्स के टाइम, तो उसमें हम लोग को क्या देखने को मिलता है, हेमरेज देखने को मिल सकता है, यानी जीआईटी ब्लड ब्लीडिंग अगर हो रहा है उसमें भी देखने को मिलता है। हिमेटेरिया, हिमेटेरिया refers to the presence of RBC or blood in urine. तो उस कंडीशन में भी, और एक्यूट ब्लड लॉस जैसे कि ट्रामा हो गया, आरटीए हो गया, बहुत सारी चीजों में अगर ये सब सारी चीजें किसमें आ जाएगी, तो हेमरेज के अंदर, तो हेमरेज से भी हम लोग को आईडी देखने को मिल सकता है। और इंक्रीज यूटिलाइजेशन, इंक्रीज यूटिलाइजेशन दो ही केस में हो सकता है, या तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा क्या, प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्या होता है, करीब करीब हमको लगता है कि 1/3 जो है वो चला जाता है हमारा बच्चे के डेवलपमेंट में चला जाता है। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी जैसे इनटेक हम लोग का कम हो रहा है, ठीक है, और ग्रोथ एंड वी आर अंडर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज, तो उस केस में हम लोग को क्या देखने को मिला, आईडीए देखने को मिल सकता है। अब कॉजेस के बाद अब हम लोग देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स, ओके, उसके बाद डायग्नोसिस, और उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रीटमेंट। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं आयरन के बारे में। तो आयरन जो होता है हमारे बोन मैरो के अंदर स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ फेरिटिन, फेरिटिन के फॉर्म में। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। That is ferritin. Ferritin क्या होता है, ferritin तो it is the form in which the iron is stored in बोन मैरो, ओके। तो फेरिटिन में, फेरिटिन के फॉर्म में हमारे बोन मैरो के अंदर जो है आयरन जो है स्टोर रहता है। सेकंड अब हम लोग देख लेते हैं क्या, ट्रांसफेरिटिन, तो ट्रांसफेरिटिन क्या होता है, इट इज द फॉर्म इन विच आयरन ट्रेवल्स इन आवर ब्लड वेसल। तो इसमें लिख लेते हैं फॉर्म ऑफ आयरन विच ट्रेवल्स इन आवर ब्लड वेसल। तो ट्रांसफेरिन के फॉर्म में हमारे ब्लड वेसल के अंदर जो है हमारा आयरन जो है ट्रेवल करता है। अब हम देख लेते हैं क्या कि आयरन का अब्सॉर्प्शन कहाँ होता है। तो आयरन इज अब्सॉर्ब इन द ड्यूडेनम पार्ट ऑफ आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, तो आयरन आयरन जो होता है हमारे बॉडी के, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर कहाँ स्टोर अब्सॉर्ब होता है, तो वो होता है हमारा क्या, ड्यूडेनम के अंदर। अब देख लेते हैं हमारा क्या कौन सा, तो फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड कहाँ अब्सॉर्ब होगा वो देख लेते हैं। फॉलिक एसिड इज अब्सॉर्ब्ड फॉलिक एसिड कहाँ अब्सॉर्ब होता है, तो ये होता है हमारा जेजनम के अंदर। किसके अंदर होता है, जेजनम के अंदर होता है।
और विटामिन बी ट्वेल्व कहाँ होता है, तो विटामिन बी ट्वेल्व होता है टर्मिनल इलियम के अंदर। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हम लोग डिस्कस किए। तो फेरिटिन, फेरिटिन का अब्सॉर्ब होता है, फेरिटिन जो होता है बोन मैरो के अंदर स्टोर होता है, ठीक है, स्टोर्ड इन बोन मैरो। ट्रांसफेरिटिन के फॉर्म में आयरन जो हमारे ब्लड वेसल के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, आयरन इज अब्सॉर्ब्ड इन ड्यूडेनम। आयरन कहां अब्सॉर्ब होता है, ड्यूडेनम में, ओके। फोलिक एसिड कहां होता है, जेजनम में। और विटामिन बी ट्वेल्व कहां होता है, टर्मिनल इलियम में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आगे हम लोग देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। अब हम लोग देख लेंगे क्या साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, दैट इज आईडी। अब हम लोग देख लेते हैं, तो साइन एंड सिम्टम्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज पाइका। तो पाइका रेफर्स टू अ कंडीशन इन विच The person or the patient is eating non-nutritive foods या फिर substance। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या होता है, it is a eating habit। इसमें क्या होता है, the person eats non-nutritive substance while having iron craving। ये मतलब जब iron craving उसको लगता है ना, तो वो क्या होता है, non-nutritive substance को जो है खाने लगता है। जैसे कि एग्जांपल्स में अगर हम ले लें, तो एग्जांपल्स में आ जाएगा मड, चॉक्स एंड आइस। इन इसमें मड जो है सबसे मोस्ट कॉमन है, इट इज मोस्ट कॉमन, ओके। तो फर्स्ट हमारा क्या होगा, साइन एंड सिम्टम हमारा हो जाएगा क्या, पाइका। उसके बाद सेकंड हम लोग को देखने को मिलता है पेन, सेकेंड में हो जाएगा पेन। थर्ड में हो जाएगा क्या, वीकनेस। फोर्थ में आ जाएगा क्या, टेकीकार्डिया। फिफ्थ में आ जाएगा स्पून शेप नेल। ना सिक्स्थ में आ जाएगा क्या, चिलोसिस देखने को मिलता है। सेवेंथ में हो जाएगा क्या, हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। एट्थ में हो जाएगा क्या, पेन, एंजाइना लाइक पेन देखने को मिलता है, एंजाइनी लाइक पेन, है ना। और नाइन्थ में हो जाएगा क्या, पाल्पिटेशन भी देखने को मिलता है, समटाइम्स पाल्पिटेशन इज आल्सो सीन। टेंथ में हो जाएगा क्या, पाल्पिटेशन भी देखने को मिलता है और एंजाइना लाइक पेन भी देखने को मिलता है, वीकनेस देखने को मिलता है, टेकीकार्डिया, स्पून शेप, चिलोसिस और समटाइम्स अल्सर, माउथ अल्सर भी देखने को मिलता है। तो दीज आर द कॉमन साइन एंड सिम्टम्स विच इज जनरली सीन इन द आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, इन विच द फर्स्ट वन इज पाइका, डेट इज अनयूजल, इट इज नॉट सीन इन द अदर कैटेगरीज, ठीक है। ये जनरली हम लोग को अदर्स में देखने को ना मिलता है, लेकिन पाइका जो है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में जरूर से जरूर देखने को मिलता है, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स के बाद अब हम लोग देख लेते हैं क्या, डायग्नोसिस, और उसके बाद अब हम लोग देखेंगे ट्रीटमेंट। तो मेनली अब हम लोग देख लेते हैं क्या साइन एंड सिम्टम्स के बाद डायग्नोसिस में। तो डायग्नोसिस में मेनली हम लोग को क्या क्या फाइंडिंग्स देखने को मिलेगा। फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा,
हेमोग्लोबिन कम देखने को मिलेगा, अगर मेल है तो 13 से कम देखने को मिलेगा ग्राम पर डेसीलीटर, और फीमेल से तो लेस देन 12 देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद आरडीडब्ल्यू, आरडीडब्ल्यू क्या था हमारा बताया था मैंने, तो आरडीडब्ल्यू क्या होता है, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। इसमें क्या मिलेगा मेनली, ये जनरली इसका वैल्यू इंक्रीज देखने को मिलता है किसमें, आईडीए में, और इसका जो पीक होगा जो ग्राफ का वो भी 2 से ज्यादा हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड हमारा फैक्टर क्या है, तो थर्ड हमारा जो फाइंडिंग है या फिर डायग्नोसिस है वो हमारा क्या है, एमसीबी। एमसीबी में मैंने बताया था केटेस्टी 3 टाइप्स ऑफ, यानी माइक्रोसिटिक, नॉर्मोसिटिक और मैक्रोसिटिक। तो अगर एमसीबी का वैल्यू अगर लेस देन 80 फेमटोलीटर है देन इट विल इट डिनोट्स आईडीए कंडीशन। ये मैंने बता चुका है, सीरम फेरेटिन ये सबसे पहला ऐसा जो डायग्नोस्टिक फैक्टर है वो फर्स्ट टू डिक्रीज, ये क्या होता है सबसे पहले डिक्रीज होता है। मतलब कि क्या हो गया, ये अलार्मिंग साइन है, ये क्या है अलार्मिंग साइन है, यानी सीरम फेरेटिन अगर डिक्रीज हो रहा है इट इंस्टेड कि इट इज अ अलार्मिंग साइन फॉर द एनीमिया, ठीक है। उसके बाद सीरम आयरन भी डिक्रीज देखने को मिलेगा, और टीआईबीसी जो है जनरली देखने को मिलता है। टीआईबीसी क्या होता है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ये होता है हमारा क्या टीआईबीसी। तो टीआईबीसी भी क्या होगा देखने को मिलेगा, बाकी सभी चीजें डिक्रीज कर रही है लेकिन फर्स्ट हमारा टीआईबीसी यानी टोटल आयरन बाइंडिंग साइट वो हो रहा है इंक्रीज, और एक चीज इंक्रीज हो रहा है दैट इज आरडीडब्ल्यू। आरडीडब्ल्यू का नॉर्मल वैल्यू कितना आप लोग जरूर बताएं कमेंट्स में, ठीक है। अब हम लोग डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बाद अब हम लोग जाते हैं तो ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट में मेनली हम लोग दो चीजें करते हैं, या तो ओरल देते हैं, ओरल में टैबलेट या फिर सिरप देंगे। तो टैबलेट और सिरप जो है बहुत सारे वेरियस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि हो गया हमारा क्या फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट और फेरस ग्लूकोनेट। और आईवी में क्या क्या हम लोग देख सकते हैं, आईवी थेरेपी में मेनली हम लोग देखते हैं क्या, तो फेरस सुक्रोज और फेरस ग्लूकोनेट देते हैं, ठीक है। ये जनरली ट्रीटमेंट होता है 8 to 12 वीक्स के लिए, ठीक है। लेकिन अगर कैसे पता चलेगा 8 to 12 वीक, ठीक है वो तो हम लोग दे देंगे, लेकिन कैसे पता चलेगा वेदर द मेडिसिन इज वर्किंग और नॉट इन अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज में फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि 5 से 7 डेज में हम लोग फिर से सीबीसी कराएंगे। तो अगर सीबीसी कराएंगे तो मेनली देखेंगे हम लोग क्या कि रेटिकुलोसाइट काउंट जो है अगर बढ़ रहा है, अगर रेटिकुलोसाइट काउंट अगर बढ़ता है, ठीक है, तो अगर रेटिकुलोसाइट काउंट बढ़ रहा है देन इट डिनोट्स कि हमारा मेडिसिन जो है वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पहचानते हैं, और उसके बाद हम लोग 8 to 12 वीक्स के लिए जो है मेडिसिन हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आईडीए डेट इज आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के बारे में। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट्स में। थैंक यू।